नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केशव करियर एकेडमी गांधीनगर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तमारू हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आप डेली करंट अफेर्स अंदर 5 ऑगस्ट 2020 अति महत्वपूर्ण परीक्षालक्षी करंट अफेर्स की चर्चा करूँ, जो तमने आवनारी गुजरात की तमाम स्पर्धात्मक परीक्षाओं जम के जीपीएससी, गौण सेवा, पंचायती सेवा, पुलिस सेवा आ उपरांत अन्य तमाम परीक्षाओं में खूबज उपयोगी निवड़े, तो वीडियो ने शुरुआत थी अंत सुधी जुवानो आग्रह राखजो। आप चैनल पर सौ प्रथम वक्त हो तो नीचे आपेला रेड बटन ने प्रेस कर चैनल ने सब्सक्राइब करजो, वीडियो ने लाइक और तमारा मित्रों में शेयर करजो। आप अमारी टेलिग्राम चैनल किश्वा ऑफिशियल गांधीनगर पर जॉइन थी सको, ज्या तमने चैनल पर आता दरेक वीडियो ने लिंक प्रोवाइड करते, आ उपरांत जे जीके पॉइंट ऑफ व्यू जो मटेरियल हे तो त्या उपलब्ध करते। तो किश्वा करियर एकेडमी ऑफिशियल टेलिग्राम चैनल है @KishwaOfficial_Gandhinagar तेने जॉइन कर लेवा विनती। तो हवे शुरू करिए आजना अति महत्वपूर्ण करंट अफेर्स। ताजेतर में भारत सरकार क्या मंत्रालय द्वारा ग्रामो उद्योग विकास योजना अंतर्गत एक कार्यक्रम शुरू करवामां आव्यो छे? ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, शहरी आवास मंत्रालय के उद्योग मंत्रालय? तो ताजेतर में भारत सरकार एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा एक ग्रामो उद्योग विकास योजना अंतर्गत एक कार्यक्रम की शुरुआत करवामां आवी छे। एटले माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, तेना द्वारा आ कार्यक्रम की शुरुआत करवामां आवी छे। कई योजना अंतर्गत? के ग्राम उद्योग विकास योजना अंतर्गत आ कार्यक्रम की शुरुआत करवामां आवी छे। हवे तेनी आगळ चर्चा करिए तो एमएसएमई द्वारा अगरबत्ती बनावनारा कारीगरों ने लाभ आपवा माटे ग्राम उद्योग विकास योजना अंतर्गत आ कार्यक्रम की शुरुआत करवामां आवी छे। एमएसएमई मंत्रालय एटले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जे मंत्रालय है, तेना द्वारा अगरबत्ती उत्पादन में सामेल कारीगरों लाभ माटे अने ग्राम उद्योगों ने विकसावा माटे ग्राम उद्योग विकास योजना हेठ आ कार्यक्रम ने मंजूरी आपवामां आवी हती। आ कार्यक्रम भागरूपे कारीगरों ने कुल 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनावती मशीन और 400 मिक्सिंग मशीन प्रदान करवामां आवशे। शुरुआत स्टेज पर 200 ऑटोमेटिक मशीन आपवामां आवशे कि जे कारीगरों अगरबत्ती व्यवसाय अंदर संकळायेला है और ते अगरबत्ती बनावती मशीन हशे और जे अगरबत्ती बनावा माटे जे रॉ मटेरियल बनाव वपराय छे तेने मिक्स करवा माटे वपराती 40 मशीन प्रोवाइड करवामां आवशे। तो एमएसएमई अंतर्गत खादी और ग्राम उद्योग विकास कमीशन एट्ले केवीसी द्वारा अगरबत्ती बनावती मशीनों ने कारीगरों ने तालीम और सहाय पण प्रदान करवामां आवशे। अने जे कारीगरों अनस्किल होय एटले अकुशल होय तेमने आना माटे एक ट्रेनिंग पण आपवामां आवशे अने जे आर्थिक सहाय पण आपवामां आवशे। तो क्या मंत्रालय द्वारा? तो एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा, एटले मध्यम सूक्ष्म मध्यम और जे लघु उद्योगों छे तेमना माटे आ शुरू करवामां आव्युं छे। हवे मित्रों, एमएसएमई मंत्रालय की बात करवामां आवे तो माइक्रो लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्योग मंत्रालय है, तेना केन्द्रीय प्रधान कोण है? तो नितिन जयराम गडकरी के जो तेना केन्द्रीय कैबिनेट कक्षा मिनिस्टर है और ते कई जगह सांसद है? तो नागपुर, जो महाराष्ट्र अंदर नागपुर लोकसभा सीट है त्याथी तेना सांसद है। राज्य कक्षाना कोण है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कोण है? तो प्रतापचंद सारंगी ए तेना राज्य कक्षाना एमएसएमई मिनिस्टर है। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन एट्ले केवीसी की बात करना प्रमुख कोण है? तो विनय कुमार सक्सेना ये केवीसी त्या प्रमुख है और तेनु हेडक्वाटर क्या आयु है? तो महाराष्ट्र मुंबई अंदर तेनु हेडक्वाटर आयु है। ताजेतर में आवेली नवी शिक्षा नीति भारत की कया नंबर की शिक्षा नीति है? बीजी, तीजी, चौथी के पांचमी? तो ताजेतर में 2020 अंदर जो शिक्षा नीति आई है भारत इतिहास की एट स्वतंत्रता पछी तीजा नंबर की शिक्षा नीति है। तीजा नंबर की शिक्षा नीति ये भारत की ताजेतर में आई शिक्षा नीति है। भारत की सौ प्रथम शिक्षा नीति क्यारे आई थी? तो 1968 अंदर आ प्रथम शिक्षा नीति आई थी, एट आज़ादी मब्या पी 21 वर्ष पची प्रथम शिक्षा नीति आई थी जो 1968 में आई थी। बीजी शिक्षा नीति क्यारे आई थी? तो 1986 अंदर आई थी। एक शिक्षा नीति आई थी 1992 अंदर, परंतु एने नवी शिक्षा नीति कहेवामां आवती नथी कारण के 1986 में जो शिक्षा नीति थी एज थी, परंतु तेनी अंदर थोड़ा सुधारा करवामां आवी हती एटले तेने अलग थी शिक्षा नीति में गणवामां आवती नथी। अत्यार सुधी बे शिक्षा नीति आई है, 1968 ने 1986 अंदर आवेली थी। एनी अंदर तमारे साल कई रीते याद रखवानी है? 68
અને 68 ને ઓલ્ટરનેટ કરીએ એટલે 86 આ રીતે તમારે સાલી યાદ રાખી રહેવાની પ્રથમ 1968 બીજી 1986 ની અંદર આવી હતી અને તાજેતરની જે શિક્ષણ નીતિ છે નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ એટલે કે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી NEP 2020 એ કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા તાજેતરમાં મંજૂરી આપવામાં આવી છે તે 21મી સદીની ભારતની પ્રથમ શિક્ષણ નીતિ છે અને 34 વર્ષ જૂની જે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ છે 1986 તેને રિપ્લેસમેન્ટ કરશે નવી શિક્ષણ નીતિની વાત કરવામાં આવે તો જે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 આવી છે તેનો મેઇન ઉદ્દેશ શું છે તો શાળા અને કોલેજના શિક્ષણને વધુ સમગ્ર એટલે સંકલિત બનાવવું અને 21મી સદીની જે જરૂરિયાતો છે તે પ્રત્યે વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરવા પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીની અંતર્ગતની એટલે અંદરની જે ક્ષમતાઓ છે તેને વિકસાવી અને ભારતને નોલેજ આધારિત વાયબ્રન્ટ સમાજ અને વૈશ્વિક મહાસત્તામાં પરિવર્તિત કરવાનો તેનો મેઇન ઉદ્દેશ છે એટલે વિદ્યાર્થીઓને એક નોલેજ બેઝ અને એક સ્કિલ બેઝ બનાવવા માટે પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપી પ્રેક્ટિકલ શિક્ષણ આપી અને જે વાયબ્રન્ટ સમાજ અને ભારતને ગ્લોબલ એક સુપર પાવર બનાવવા માટે આ એક નવી શિક્ષણ નીતિની અંદર મુદ્દાઓનું ચેન્જ કરવામાં આવ્યા છે જાણીતા વૈજ્ઞાનિક જે છે ઇસરોના પૂર્વ વડા અને પદ્મવિભૂષણ ડૉક્ટર કે કસ્તુરી રંગનની અધ્યક્ષતામાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિના મુસદ્દા માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી તમારે યાદ રાખવાનું છે ડૉક્ટર કે કસ્તુરી રંગન છે તે યાદ રાખવાનું છે કારણ કે આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તેમની અધ્યક્ષતામાં એક કમિટી બનાવવામાં આવી હતી અને તેમણે જે ડ્રાફ્ટ તૈયાર કર્યો તે ડ્રાફ્ટના આધારે આ નવી શિક્ષણ નીતિ બનાવવામાં આવી છે જેણે 2018ની અંદર ડિસેમ્બર 2018માં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2019નો મુસદ્દો સરકાર સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો એટલે આ જે કમિટી બનાવવામાં આવી હતી કસ્તુરી રંગન તેમણે 2018ની અંદર આ મુસદ્દો આપ્યો સરકારને અને આ મુસદ્દો 2019ની જે નવી શિક્ષણ નીતિ આવી તેના માટેનો એક જવાબદાર એક ડ્રાફ્ટ હતો તે કેસ કસ્તુરી રંગનની અધ્યક્ષતામાં જે કમિટી બનાવવામાં આવી હતી તેમના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો પછી આ કમિટી દ્વારા 2018ની અંદર જ્યારે સરકારને ડ્રાફ્ટ સોંપવામાં આવ્યો ત્યારે સરકાર દ્વારા લોકસભાની ચૂંટણી પછી એટલે 2019 પછી આ ડ્રાફ્ટને લોકોને માટે અભિપ્રાય માટે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો એટલે ભારત સરકાર દ્વારા અલગ અલગ જે ન્યૂઝપેપર છે તેની અંદર તેની એક સરકાર દ્વારા એક જાહેરાત આપવામાં આવી હતી અને લોકોના અભિપ્રાય માંગવામાં આવ્યા હતા કે લોકો પણ આની અંદર એક પોતાના વ્યૂ રજૂ કરી શકે અને તેમના વ્યૂના આધારે થોડું મોડિફિકેશન કરી અને નવી એક વ્યવસ્થિત શિક્ષણ નીતિ જે લોકોની જરૂરિયાત પ્રમાણે તૈયાર કરી શકાય તે માટે તેમાં સુધારા વધારા પણ કરવામાં આવ્યા હતા આ શિક્ષણ નીતિની વાત કરવામાં આવે તો કેન્દ્ર અને રાજ્યોના શિક્ષણ પરના જાહેર ખર્ચને GDPના 6% સુધી વધારવામાં આવ્યો છે આ મોસ્ટ એક ઇફેક્ટિવ આ પલગું ભારત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે કારણ કે અત્યાર સુધી ભારતની જે GDP છે તેના 3.5-4% જ ઉપયોગ શિક્ષણ પાછળ ખર્ચવામાં આવતો હતો પરંતુ હવે GDPના 6% જે છે એ શિક્ષણ પાછળ ખર્ચવામાં આવશે એટલે એક સારી એવી રકમ છે એ શિક્ષણ પાછળ ખર્ચવામાં આવશે જેની અંદર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ આ ઉપરાંત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે આ બધા માટે એક ઉપયોગ રકમનો ઉપયોગ થશે એટલે જે ભારતની સિવાય જે વિશ્વની જે મહાસત્તાઓ છે જેમ કે અમેરિકા છે ચીન છે ફ્રાન્સ છે રશિયા છે આ દેશ છે GDPના એક વધુ પડતા ટકા ભારત કરતો વધુ ટકા શિક્ષણ પાછળ ખર્ચતા હોય છે તેથી તેઓ ભારત કરતો આગળ છે એટલે શું કહેવાય કે ભારતે પણ આ સ્ટેપ લઈ અને 6% GDPના ખર્ચવાનું આ શિક્ષણ નીતિ અંદર જણાવવામાં આવ્યું છે હવે જે આની અંદર એક બીજું મહત્ત્વનું ચેન્જ કરવામાં આવ્યું છે કે જે ભારતનું જે HRD મિનિસ્ટ્રી છે માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય તેનું નામ બદલીને હવે શિક્ષા મંત્રાલય એટલે શિક્ષણ જે મંત્રાલય છે તે કરવામાં આવ્યું છે એટલે ભારત સરકારનું હવે જે HRD મિનિસ્ટર છે એટલે શિક્ષા મંત્રાલય તરીકે ઓળખવામાં આવશે એટલે હવેથી જે HRD મિનિસ્ટર છે રમેશ પોખરિયાલ નિશંક એ હવે HRD મિનિસ્ટર તરીકે નહીં ઓળખાય હવે શિક્ષા મંત્રી તરીકે હવે ભારતની અંદર ઓળખાશે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દ્વારા ઈ જ્ઞાન મિત્ર મોબાઈલ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી છે જમ્મુ કાશ્મીર પુડુચેરી દાદરા નગર હવેલી અને દીવ દમણ કે લદ્દાખ તો તાજેતરમાં દાદરા નગર હવેલી અને દીવ દમણ દ્વારા ઈ જ્ઞાન મિત્ર મોબાઈલ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી છે કયા તો દાદરા નગર હવેલી અને દીવ દમણ દ્વારા આને લોન્ચ કરવામાં આવી છે તેની આગળ ચર્ચા કરીએ તો દાદરા નગર હવેલી અને દીવ દમણ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દ્વારા ઈ જ્ઞાન મોબાઈલ એપ્લિકેશન શરૂ કરવામાં આવી છે
ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करने माटे आई ज्ञान मोबाइल एप्लिकेशन ने शुरू करवामां आवी छे। एटले कोविड 19 रोगचाळाना कारणे जे आ केन्द्र शासित प्रदेश की अंदर शिक्षण ने असर न थाय अने जे विद्यार्थीओ छे ए शिक्षण थी वंचित न रहे ते माटे आ ऑनलाइन मोबाइल एप्लिकेशन जेनुं नाम शुं छे तो ई ज्ञान मोबाइल ई ज्ञान मित्र तेने शुरू करवामां आवी छे। जे दमणनुं जे एडमिनिस्ट्रेशन छे तेना शिक्षण विभाग द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लिकेशन शुरू करवामां आवी छे जे विद्यार्थीओ अने वालीओने लोकप्रिय पण बनी रही छे। कारण के आज केन्द्र शासित प्रदेश है तेनी अंदर हाल में आ कार्य थई चूकी है ते विद्यार्थी अने जे पेरेंट्स है तेमा पण खूब लोकप्रिय बनी रही है। हवे मित्रों दादरा नगर हवेली अने जे दमण अने दीवना जे वहीवटकार है तो कोण है तो प्रफुल्ल पटेल है। कारण के आज दादरा नगर हवेली है केन्द्र शासित प्रदेश है परंतु तेनी अंदर उपराज्यपाल नहीं परंतु जे वहीवटकार तरीके पसंदगी थती हुए राष्ट्रपति द्वारा तो प्रफुल्ल पटेल है वहीवटकार है। दादरा नगर हवेली और दीव दमण ने 2019 की अंदर संयुक्तपणे एक ज केन्द्र शासित प्रदेश बनावामां आवे छे। लोकसभा संसद की अंदर तेना माटे एक बिल पसार करी अने तेने ऑफिशियली बंने ने कम्बाइन एक दादरा नगर हवेली और दीव दमण ने एक कम्बाइन केन्द्र शासित प्रदेश जाहिर कर देवामां आव्या छे। एटले बंनेनुं जे एक वहीवट है एक जगह थी करवामां आवशे अलग अलग जगह थी तेनो वहीवट करवामां आवशे नहीं। दादरा नगर हवेली और दीव दमण की बात करवामां आवे तो दादरा नगर हवेली है तेने केन्द्र शासित प्रदेश तरीके 1961 की अंदर जाहिर करवामां आवी हती अने जे दीव दमण है ते 1900 अने ज्यारे 87 की अंदर तेने केन्द्र शासित प्रदेश तरीके जाहिर करवामां आव्युं हतुं। आ बंने छे ए जे पोर्टुगीजो छे तेमना कब्जामां हता अने जेमने भारत सरकार द्वारा तेमना द्वारा सौंपवामां आव्या हता भारत सरकार ने तो 1961 अने दीव दमण ने 1987 की अंदर जाहिर करवामां आव्या हता। डिसेम्बर 2019 अंदर लोकसभा की अंदर आना मर्ज माटे एक बिल पसार करवामां आव्युं जे 26 जानुआरी 2020 थी अमलीकरण थयुं। एटले 26 जानुआरी 2020 थी दादरा नगर हवेली और दीव दमण ए संयुक्तपणे एक ज केन्द्र शासित प्रदेश एटले बंनेने मर्ज करी देवामां आव्या छे अने वर्तमान में तेना बंनेना जे वहीवटकार कोण छे तो प्रफुल्ल पटेल ए तेना वहीवटकार छे के जे सीधा राष्ट्रपति एटले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट करे छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए तो ताजेतर में क्या राज्य में थीजोवल गोल्फ रिसोर्ट नू वर्चुअल उद्घाटन करवामां आव्युं छे? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के सिक्किम? तो ताजेतर में मिजोरम राज्य की अंदर थीजोवल गोल्फ रिसोर्ट नू वर्चुअल उद्घाटन करवामां आव्युं छे एटले के वीडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा तेनुं उद्घाटन करवामां आव्युं छे। क्या राज्य की अंदर? तो मिजोरम राज्य की अंदर तेनुं उद्घाटन करवामां आव्युं छे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा थेंजोवल जो गोल्फ रिसोर्ट है तेनु प्रोजेक्ट नु उद्घाटन करवामां आव्युं छे। आ प्रोजेक्ट भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना हेठ अमल में मुकायो छे अने त्यारबाद गोल्फ रिसोर्ट जो कोर्स है भारतीय लोग ने वाजबी भावे गुणवत्तायुक्त गोल्फ अनुभव और आंतरराष्ट्रीय सुविधाओं प्रदान करशे। एटले जे लोको गोल्फना जे शौखीन होय छे तेमने आ गोल्फ रमवा माटे आ खूबज आ जे गोल्फ रिसोर्ट जे कोर्स बनावामां आवे छे ए खूबज उपयोगी निवडशे अने आंतरराष्ट्रीय सुविधाओ पण आनी अंदर प्रोवाइड करवामां आवशे। तो स्वदेश दर्शन जे योजना छे तेना अंतर्गत आनुं निर्माण करवामां आव्युं छे। क्या राज्यनी अंदर? तो मिजोरम राज्यनी अंदर तेनुं उद्घाटन करवामां आव्युं छे। तो आज थेंजोवल जे गोल्फ कोर्स है तेनी रचना कोना द्वारा करवामां आवी छे? तो केनेडानी एक जे गोल्फ कोर्स है गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर फर्म है ग्रेहम कूक एंड एसोसिएट्स द्वारा आनी रचना करवामां आवी छे जेमां कुल 105 एकर विस्तार की अंदर 75 एकर रमतनो विस्तार है अने जे एक जे छे 18 होल गोल्फ कोर्स है। एटले आजे गोल्फनुं जे मैदान होय छे बहु ज मोटुं होय छे तमे जोयुं हशे टीवी नी अंदर के ग्रीन कलरनुं आखू जे घास थी बनावेलुं होय छे तेनी अंदर 105 एकरनुं आखू मैदान छे अने तेनी अंदर 75 एकर રમતનો વિસ્તાર છે અને આની અંદર જે હોલ હોય છે 18 હોલ ગોલ્ફ કોર્સ છે અને તે જેને ફેરવે અને આપમેળે છંટકાવ સિસ્ટમ પણ છે આની અંદર ઓટોમેટિક એક સિંચાઈ સિસ્ટમ પણ મૂકવામાં આવી છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય ધારણ ધોરણો માટેની તમામ સુવિધાઓ આ ગોલ્ફ કોર્સની અંદર આવેલી છે। હવે મિત્રો મિઝોરમની અંદર કરવામાં આવી છે તો મિઝોરમની વાત કરવામાં આવે તો મિઝોરમનું પાટનગર કયું છે? તો આઇઝોલ એ મિઝોરમનું પાટનગર છે। ત્યાંના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તો જોરમ થંગમા એ ત્યાંના મુખ્યમંત્રી છે અને ત્યાંના જે ગવર્નર કોણ છે? તો શ્રીધરન પિલ્લઈ એસ શ્રીધરન પિલ્લઈ એ ત્યાંના
गवर्नर अथवा राज्यपाल है। आने क्यारे राज्यनो दरजो मळ्यो हतो तो 1972 अंदर तेने राज्यनो दरजो मळ्यो अने त्यां सुधी ते केन्द्र शासित प्रदेश तरीके मिजोरम हतो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए तो केंद्रीय शिक्षण मंत्री द्वारा कया राज्य ने नवी आईआईएम की आधारशिला मुकवामां आवी छे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के सिक्किम? तो केंद्रीय शिक्षण मंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की अंदर एक नवी आईआईएम की आधारशिला मुकवामां आवी छे। कया राज्य की अंदर? तो हिमाचल प्रदेश राज्य की अंदर आनी शुरुआत करवामां आवी छे। हिमाचल प्रदेश की अंदर केंद्रीय शिक्षण प्रधान रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा सिरमौर जिला की अंदर धोलकुवा में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एट्ले आईआईएम शिलान्यास कर टोटल 392 करोड़ रुपया खर्चे आ इंस्टिट्यूट प्रथम तबक्को पूर्ण थे। एट प्रथम तबक्का अंदर 392 करोड़ रुपया खर्च कर 2014 की अंदर केन्द्र सरकार आईआईएम सिरमौर सहित 7 नवा आईआईएम बनावा नक्की कर 2014 की अंदर ज आ नक्की कर दूत। टोटल 7 आईआईएम की स्थापना करनी अंदर आ सिरमौर खाते धोलकुवा में आलू है, सिरमौर जिला धोलकुवा में आलू है तीन पर नाम हतु। केन्द्र सरकार द्वारा आ क्षेत्र की श्रेष्ठ संस्था तरीके उभरी आए थे सुनिश्चित करने तमाम शक्य सहाय पूरी पड़वा। संस्था द्वारा आपवामां आवता नवा अभ्यासक्रमों विद्यार्थियों ने माटे नवी तको खोलशे। पर्यटन, वीजळी, उद्योग अने इको टूरिज्म ए राज्यनी प्राकृतिक संभावना छे। हिमाचल प्रदेश की अंदर जे पर्यटन छे, पछी जे कारण के जे पहाड़ी राज्य छे ते तेनी अंदर जे नदियों वधु वहे छे एथी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, आ उपरांत इंडस्ट्रीय अने इको टूरिज्म क्षेत्र राज्यनी अंदर खूब संभावना छे जेनो असरकारक संचालन की जरूर छे। अने आ संस्था आ दिशानी अंदर एक वरदान साबित थशे कारण के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की अंदर जे एवा विद्यार्थीओ बहार निकले छे के जेओ मैनेजमेंट क्षेत्र एक पोताने साबित करी चूक्या होय छे। तो आवा विद्यार्थियों जारे हिमाचल प्रदेश ने अंदर जैसे तो जे आज फील्ड है जम के पर्यटन है, टूरिज्म है, वीजड़ी है, उद्योग है, आनी अंदर पन एक वधु विकास थाय ते माटे प्रयत्न करशे। तो MBA विद्यार्थी भविष्य कॉर्पोरेट और नेताओं और संपत्ति निर्माता है व्यवसाय और उद्योग ने योग्य दिशा आपने आत्मनिर्भर भारत बनाई सके। हवे हिमाचल प्रदेश राज्य में आ IIM की स्थापना करवामां आवी छे। तो मेपनी अंदर तमे जोई सको आ छे हिमाचल प्रदेश राज्य, तेनु पाटनगर क्यूँ है? तो शिमला तेनु पाटनगर है, बीजू एक पाटनगर है तेनु धर्मशाला के समर कैपिटल है धर्मशाला, ये तमारे याद रखवानुं छे। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, गवर्नर कोण है? तो बंगारू दत्तात्रेय त्यांना गवर्नर है। लोकसभा की 4 सीटों, राज्यसभा की 3 सीटों आवेली है। राज्यनो दरजो क्यारे मळ्यो? तो 25 जान्युआरी 1971 ना दिवसे हिमाचल प्रदेश ने राज्यनो दरजो मळ्यो हतो। हाईकोर्ट शिमला खाते बेसे छे। नेशनल पार्क की अंदर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीरगंगा और पीनवेली नेशनल पार्क पर त्या आवेला छे। जनजातियों की बात करवामां आवे तो लाहोली और कनोरा जनजातिओ हिमाचल प्रदेश की अंदर वसवाट करे छे। लोकनृत्य की अंदर डांगी, धमान और डफ नृत्य आपणने हिमाचल प्रदेश की अंदर लोग द्वारा करवामां आवे छे। सरोवर की अंदर चंद्रताल सरोवर, सूरतताल सरोवर और गोविंद सागर सरोवर हिमाचल प्रदेश राज्य की अंदर आवेला छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए तो कया देश की संसदे महात्मा गांधी और मार्टिन ल्यूथर किंग की विरासत वधारवा माटे एक बिल पसार कर्युं छे? ब्रिटन, भारत, अमेरिका के दक्षिण आफ्रिका? तो ताजेतर में अमेरिका की पार्लियामेंट द्वारा महात्मा गांधी और मार्टिन ल्यूथर किंग से तेमनी विरासत वधारवा माटे एक बिल पसार करवामां आव्युं छे। युनाइटेड स्टेट की कांग्रेस समिति ताजेतर में वर्ष 2009 की अंदर जो अमेरिकन नागरिक अधिकार नेता था कायदाकीय जॉन लुइस की भारत मुलाकात थी प्रेराई ने एक खरडो पसार करवामां आव्यो हतो। एटले जे जॉन लुइस छे तेओ अमेरिका नी अंदर नागरिक अधिकार नेता अने तेमने जे 2009 नी अंदर भारत नी मुलाकात लीधी थी शा माटे? तो 2009 नी अंदर जे मार्टिन लूथर किंग नी छे ए भारत नी अंदर 50मी मुलाकात नी वर्षगांठ निमित्ते तेमणे जे जॉन लुइस छे तेमणे भारत नी मुलाकात लीधी थी ते संदर्भे तेने याद राखीने जे अमेरिका की संसद द्वारा एटले अमेरिका की जे कांग्रेस समिति है तेना द्वारा आने एक बिल पसार करवामां आव्युं छे। श्री लुइस डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जुनियर की 50मी वर्ष भारत की मुलाकातना वर्षगांठ प्रसंगे भारत आया था और लुइस द्वारा लखायेला खरडाम ने कांग्रेस समिति 29 जुलाई मंजूरी आपी थी। हवे आ बिल रजू करवामां आव्युं छे। तो आ बिलनुं नाम शुं छे? तो गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट, गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट आ बिलनुं नाम छे जेने
हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी द्वारा पसार करवामां आव्युं हतुं। गांधीजी की 150मी जन्मजयंती निमित्ते आ खरडो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जुनियर वारसा ने प्रोत्साहन आपे छे। आ कोना द्वारा प्रस्ताव करवा मूकवामां आव्यो हतो? तो अमी बेरा द्वारा, जे इंडियन मूळना जे सांसद छे ते अमी बेरा, तेमना द्वारा आ प्रस्ताव मुकवामां आव्यो हतो। आ बिल नी अंदर युनाइटेड स्टेट और भारत वच्चे द्विपक्षीय भागीदारी स्थापित करवानी मांगणी पर करवा माटेनो एक प्रयास छे। बन्ने आथी बन्ने देशों वच्चेना जे संबंधो छे ए मजबूत थशे। आथी शुं थशे के बन्ने देशोनी एक विरासत वधशे, एटले बन्ने देशोना वच्चेना संबंधो पण एक मजबूत थशे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए तो क्या राज्य में राज्यपाले त्रण राजधानी ने मंजूरी आपी है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, तमिलनाडु के कर्नाटक? तो ताजेतर में आंध्र प्रदेश राज्य गवर्नर है तेमना द्वारा त्रण राज्य की जो त्रण राजधानी है, राज्य की त्रण राजधानी ने मंजूरी आपवामां आवी छे। क्या राज्य की अंदर? तो आंध्र प्रदेश राज्य की अंदर। एटले हवेथी आंध्र प्रदेश राज्य की अंदर एक बे नहीं परंतु त्रण राजधानी हशे। तेनी आगळ चर्चा करिए तो आंध्र प्रदेश राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, तेमना द्वारा 31 जुलाई 2020 ना रोज आंध्र प्रदेश राज्य राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र राज्य सरकार की त्रण राजधानी योजना ने मंजूरी आपवामां। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी की जो सरकार है ये आ वर्ष की शुरुआत की अंदर आंध्र प्रदेश विधानसभा में त्रण राज्य की राजधानी बनावा माटे योजना ने आकार आपवा माटे एक बिल रजू कर्युं हतुं। एटले 2019 अंदर जयरे नवी सरकार बनी चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार थी ए चेन्ज थया पछी जयरे जगनमोहन रेड्डी की सरकार आवी त्यारे तेमणे शुरुआत में ज एक प्रस्ताव मूक्यो हतो के आंध्र प्रदेश राज्य की एक बे नहीं परंतु त्रण राजधानी हशे। अलग अलग सीटी अंदर एने एक सत्ता विकेन्द्रीकरण करवामां आवशे। तो ए अंतर्गत एक बिल पसार करवामां आव्युं हतुं जयरे जून महीनानी अंदर ते माटे एक बिल रजू कर्युं हतुं तेने जे त्यांना राज्यपाल छे विश्वभूषण हरिश्चंद्र तेमणे हालमां ज मंजूरी आपी दीधी छे। हवे आ एक कायदो बनी गयो छे। तो आ कायदा हेठळ आंध्र प्रदेश राज्यनी त्रण राजधानी हशे, आनी साथे आवुं करनार देशनुं प्रथम राज्य बन्युं। कारण के भारतना जे 29 राज्य छे तेमांथी अत्यार सुधी कोईपण राज्यनी अंदर एक अथवा बे राजधानी छे परंतु त्रण राजधानी नथी। एटले आंध्र प्रदेश एवुं प्रथम राज्य बन्युं छे के जेनी त्रण राजधानी बनावामां आवी छे। हवे आंध्र प्रदेशनी जे कारोबारी छे विशाखापट्टनमथी सरकार काम करशे, पछी राज्यनी विधानसभा छे अमरावतीमां हशे अने हाईकोर्ट कई जग्याए हशे? तो कर्नूलनी अंदर तेनी हाईकोर्ट हशे। एटले त्रण राजधानी कई कई छे? तो विशाखापट्टनम छे, अमरावती अने जे कर्नूल खाते आनी त्रीजी राजधानी हशे। तो आंध्र प्रदेशना जे मुख्यमंत्री छे जगनमोहन रेड्डी विधानसभानी कारोबारी अने न्यायतंत्र माटे अलग अलग पाटनगर बनावानी मांग हती। तो मुख्यमंत्री जगनमोहने आ माटे अमरावती, विशाखापट्टनम अने कर्नूलनी पसंदगी करी हती। હવે આંધ્ર પ્રદેશ રાજ્યની વાત છે તો મેપની અંદર તમે જોઈ શકો છો આ છે આંધ્ર પ્રદેશ। 2014 પહેલાં આંધ્ર પ્રદેશ અને જે તેલંગાણા છે એક જ રાજ્ય હતા, તો પરંતુ 2014ની અંદર તેલંગાણાને આંધ્ર પ્રદેશમાંથી અલગ બનાવી અને એક નવું રાજ્ય બનાવવામાં આવ્યું હતું। કયા કયા રાજ્યો બોર્ડર શેરિંગ કરે છે? એક તો ઓડિશા રાજ્ય છે, ત્યારબાદ છે છત્તીસગઢ, ત્યારબાદ છે તેલંગાણા, કર્ણાટક અને તમિલનાડુ। આટલા રાજ્યો તેને બોર્ડર શેર કરે છે। પાટનગર છે તેનું અમરાવતી, મેન પાટનગર યાદ રાખવાનું છે અમરાવતી છે। આ ઉપરાંત વિશાખાપટ્ટનમ અને કર્નૂલ પણ તેના પાટનગર છે। મુખ્યમંત્રી છે વાય એસ જગનમોહન રેડ્ડી, તેના ગવર્નર છે વિશ્વભૂષણ હરિશ્ચંદ્ર। લોકસભાની 25 સીટો, રાજ્યસભાની 11 સીટો આવેલી છે। તેની હાઈકોર્ટ કઈ જગ્યાએ છે? તો અમરાવતી ખાતે હાલ છે અને હવેથી કર્નૂલ ખાતે તેની હાઈકોર્ટ બેસશે। નેશનલ પાર્ક કયા આવેલા છે? તો પાપીકોંડા નેશનલ પાર્ક, શ્રી વેંકટેશ્વર નેશનલ પાર્ક અને મરુગાવની નેશનલ પાર્ક, આ ઉપરાંત રાજીવ ગાંધી નેશનલ પાર્ક પણ ત્યાં આવેલું છે। લોકનૃત્યની વાત કરવામાં આવે તો કુચીપુડી, છડી અને કુંભી નૃત્ય ત્યાં આવેલા છે। એમાં કુચીપુડી નૃત્ય છે શાસ્ત્રીય નૃત્ય છે। સરોવરની અંદર પુલિકટ સરોવર, કોલેરુ સરોવર અને હિમાયત સાગર સરોવર તે પણ આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યની અંદર આવેલા છે। સિંચાઈ યોજનાની અંદર શ્રીશૈલમ સિંચાઈ યોજના અને નાગાર્જુન સાગર જે સિંચાઈ યોજના છે એ આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યની અંદર આવેલી છે। તો આઈ હોપ મિત્રો તમને વિડીયો ગમ્યો હશે। જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો કિશ્વ કરિયર એકેડેમીની ઓફિશિયલ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક અને તમારા મિત્રોમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ જેમ કે વોટ્સએપ છે, ટેલિગ્રામ છે, આમાં તમે શેર કરી શકો છો। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।